अमेरिका की क्रांति के कारण चल रहे हैं, उसमें जो आगे का जो कारण है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिवेशों की ब्राह्मण कारण धारणा भी कह सकते हैं। उपनिवेशों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रांत धारणा में ग्रस्त थी। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसी आधार पर वे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे। इंग्लैंड की जो सरकार है उसका मानना है कि जो उपनिवेश है वे इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है, इस लाभ की प्राप्ति के लिए ही उपनिवेशों का शोषण कर रहे थे इंग्लैंड की सरकार। इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार बौद्धिक एवं सामाजिक परंपराओं में उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन समझना चाहिए, परंतु उपनिवेश इस प्रकार के विचारों को अधिक समय तक सहन करने को तैयार नहीं थे। वे अपने व्यवसाय तथा उद्योग का स्वयं ही प्रचार करना चाहते थे। व्यवसाय तथा उद्योगों का प्रचार प्रसार उपनिवेश खुद ही करना चाहते थे, न कि इंग्लैंड द्वारा किया जाए। इंग्लैंड के हितों की वृद्धि करना उपनिवेश नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि क्या उन्होंने बाहुबल से उपनिवेशों की स्थापना नहीं की, क्या उन्होंने अपने ही कठिन परिश्रम से अपने घने जंगलों तथा भेड़ों को साफ नहीं किया, क्या उन्होंने स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था। वे मानते थे कि इंग्लैंड ने कई बार उनको खतरों से बचाया था, परंतु इसकी कीमत परतंत्रता नहीं थी। उपनिवेश के लोग थे, उनका कहना था उन्होंने स्वयं ही कठिन परिश्रम द्वारा ही उपनिवेशों की स्थापना की थी।
इसे स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा उसने घने जंगल बिहेड़ों को साफ करके ही उपनिवेश स्थापित किए थे। इसमें उपनिवेशों ने ही मेहनत की। हां, कुछ मौकों पर इंग्लैंड ने उनकी सुरक्षा की। इसका फल उन्हें समय समय पर मिलता रहा। सम्राट की तरफ से उनकी भूमि के विशाल क्षेत्रों के आज्ञा पत्र मिलते रहते थे। अंग्रेज व्यापारियों की लोकपूर्ण दृष्टि भी अमेरिका के उपजाऊ कृषि क्षेत्र और कच्चे माल पर टिकी हुई थी। कच्चे माल व उपजाऊ क्षेत्र। उपनिवेश के लोगों का कहना था कि जो इंग्लैंड की सरकार है, उनकी नजर उपनिवेश के कच्चे माल और उपजाऊ क्षेत्र है, उन पर उनकी नजर टिकी हुई थी। वे इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे अपने लाभ के लिए। इसलिए अंग्रेज शासन अमरीकी व्यवसाय और व्यापार को अपने हित में मोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि उपनिवेशों और उनके हित एक समान नहीं है और उपनिवेश उनसे स्पष्ट हो चुके हैं। अब अपने बात करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उस समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इंग्लैंड अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित कर रहा था, तो उसी समय फ्रांस भी अपने उपनिवेश स्थापित करने में लगा हुआ था और अपने साम्राज्यवादी नीति को लागू कर रहा था। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। फ्रांस ने मिसिसिपी नामक नदी पर अधिकार कर लिया, जिससे उसके आसपास के क्षेत्र जो कि उपजाऊ थे उन पर फ्रांस का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक समय तक एमिनेंट
1757 से ईस्वी से 1863 ईस्वी तक दोनों के मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस के दोनों के मध्य ये सप्तवर्षीय युद्ध चलता रहा। इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने सब मिलाकर युद्ध के लिए इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी, फिर भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड की अधिकार में आ गया। उस युद्ध में यहां के जो स्थानीय उपनिवेश थे उसने इंग्लैंड की सहायता नहीं की, परंतु इंग्लैंड को इस युद्ध में निर्णायक सफलता मिली और फ्रांस के जो क्षेत्र थे वे इंग्लैंड के अधिकार में आ गए। 7 वर्षीय युद्ध के दूरगामी परिणाम मिले। अब तक अमेरिका के उपनिवेश इंग्लैंड के साथ इसलिए डट के चले आ रहे थे, उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था, परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। फ्रांसीसी शक्ति है उसका सप्तवर्षीय युद्ध में अंत हो गया और उसके साथ ही फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय भी उपनिवेशों के मन से निकल गया। इसलिए अंग्रेज बस्तियों ने अनुभव किया कि अब इंग्लैंड के साथ चिपटे रहने से उन्हें कोई लाभ नहीं है। अतः सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बस्तियों के रूप में एकदम परिवर्तन आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इस संघर्ष में भाग लेकर अमेरिकी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। पृथक-पृथक शासन वाले 13 विभिन्न राज्यों में एकता पैदा करने में अभी कुछ वर्ष का समय चाहिए था, परंतु इस ओर एक बड़ा कदम इस प्रकार उठ गया। इस युद्ध का एक परिणाम ये भी हुआ कि उपनिवेशों को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये 13 उपनिवेश एकता के सूत्र में बंधने को तत्पर हुए। अब अपने बात करेंगे
नव विजय क्षेत्र की समस्या। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और इंग्लैंड की विजय हुई। उत्तरी अमेरिका का संपूर्ण क्षेत्र इंग्लैंड के अधीन आ गया। इस क्षेत्र में कैथोलिक फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियन बसे हुए थे। कैथोलिक फ्रांसीसी रेड इंडियन निवास करते थे। अतः इंग्लैंड के सामने एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता आ पड़ी जिससे कि फ्रांसीसी और रेड इंडियनों में से आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा सके। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन की शुरू से ही इंग्लैंड के लोगों से घृणा करते थे। वे फ्रांसीसियों को अधिक पसंद करते थे। दूसरी तरफ उपनिवेश इस विशाल विजित क्षेत्र में अपनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ स्वयं लाभ उठाने पर तुले हुए थे। उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार होने के बाद यहां पर जो निवास कर रहे थे कैथोलिक फ्रांसीसी और रेड इंडियन, ये दोनों ही इंग्लैंड के लोगों को पसंद नहीं करते थे। ये जो रेड इंडियन थे ये फ्रांसीसियों को पसंद करते थे। परिणाम स्वरूप यहां पर नियंत्रण करना इंग्लैंड की सरकार के लिए एक गंभीर समस्या थी। इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के स्वार्थ से संघर्ष हुआ। इंग्लैंड की सरकार को यह भय था कि उपनिवेशों के रेल क्षेत्र में जाकर बसने से वहां के मूल निवासी रेड इंडियन के साथ कहीं युद्ध का सिलसिला शुरू ना हो जाए। ये इंग्लैंड सरकार को बेस्ट आ रहा था। अतः वे चाहते थे कि रेड इंडियन को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। ये जो रेड इंडियन है उनके प्रति इंग्लैंड चाहता था कि ये कुछ समय प्राप्त करें जिससे कि ये शांत हो जाए। उपनिवेशों के मध्य भूमि वितरण का काम धीरे धीरे होना चाहिए, इसलिए 1763 ईस्वी में एक शाही घोषणा द्वारा
फ्लोरिडा मिसिसिपी, फ्लोरिडा मिसिसिपी, के बीच का समुद्र क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इससे उपनिवेशों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और वे अपनी सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। अब बात करेंगे नई आर्थिक नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए बहुत धन खर्च किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मानना था कि चूंकि ये धन उपनिवेशों की रक्षा के लिए किया गया है, तो ये धन प्राप्त उपनिवेशों से ही प्राप्त किया जाए, जिससे कि आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। परंतु उपनिवेशों ने इसे साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर सहयोग देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उपनिवेशों ने भविष्य में भी बस्तियों की रक्षा के लिए खर्च होने वाले धन में भी अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। सुगर एक्ट युद्ध के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की राजनीति में परिवर्तन आ गया था। जॉर्ज तृतीय के राजा बनने के एक वर्ष के भीतर ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और ग्रेनविल नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ग्रेनविल और उसके साथी मंत्री ने यह देख लिया कि उपनिवेशों में अधिक जागरूक शासन की व्यवस्था करनी चाहिए और उपनिवेशों से शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय भी वसूल किया जाए। इसके लिए दो उपाय सोचे गए, पहला उपाय था नाविक और व्यापारिक नियमों का, नाविक और
व्यापारिक नियमों का पालन करवाया जाए। अमेरिकी व्यापार से संबंधित कानूनों को माना जाए। जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की आय में बढ़ोतरी करना था। इसके लिए उपनिवेशों पर यह नियम लागू किया गया, परंतु उपनिवेशों ने इस नियम का विरोध किया। जिसके परिणाम स्वरूप जार्ज तृतीय ने इस नियम को कठोरतापूर्वक उन पर थोप दिया। ये नियम सिकंदरी विरोध का कारण बन गया।